मोदी करेंगे रोड शो, सिंधिया का कांग्रेस पर हमला, कहा वे दफनाने को तैयार रहते हैं। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज, ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। मतदान के दूसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है। तीसरे चरण के लिए 8 सीटों के लिए 12 अप्रैल से नामांकन होंगे। जानिए प्रदेश में क्या हाल चल रहा। सिंधिया ने कांग्रेस पर बोला बड़ा हमला कि मैंने कहा बादल छटेगा, सूर्य निकलेगा और कमल खिलेगा। वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष द्वारा पीएम मोदी पर दिए विवादित बयान को लेकर भी सिंधिया ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि इन लोगों में संबद्धता, सुशीलता और नैतिकता का स्तर नहीं है। दक्षिण भारत के नेताओं ने पीएम मोदी के बारे में क्या वक्तव्य कहे हैं, सुरजेवाला ने हेमा मालिनी के बारे में अभद्र टिप्पणी की है, ये लोग ना देश का सम्मान कर सकते हैं, ना नारी शक्ति का और ना किसी समाज का सम्मान कर सकते हैं। उन्हें थोड़ी खुशी के लिए किसी को दफनाना पड़े तो वे तैयार हैं। ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस के टिकट फाइनल नहीं होने पर सिंधिया ने कहा कि हमने तो प्रत्याशी घोषित कर दिया है और दौड़ भी रहा है, अब उनसे पूछिए उन्होंने क्यों नहीं किया। आपके प्रश्न राजा साहब और कांग्रेस के धुआंधार नेताओं से करना चाहिए। मोदी करेंगे रोड शो, सिंधिया का कांग्रेस पर हमला, कहा वे दफनाने को तैयार हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में चुनावी शोर जारी है। भाजपा और कांग्रेस के नेता प्रदेश भर में जनसभाएं कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी 7 और 9 अप्रैल को प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। 7 अप्रैल को वे जबलपुर में भाजपा प्रत्याशी आशीष दुबे के समर्थन में रोड शो करेंगे, जबकि 9 अप्रैल को बालाघाट में जनसभा को संबोधित करेंगे। उधर मतदान के दूसरे चरण के लिए 7 सीटों पर नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है। आज नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। प्रत्याशी 8 अप्रैल तक नामांकन पत्र वापस ले सकते हैं। 26 अप्रैल को टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद और बैतूल समेत 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे। 7 मई को 8 सीटों पर मतदान। ग्वालियर, मुरैना, भिंड, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल और राजगढ़ समेत 8 सीटों पर तीसरे चरण में मतदान होगा। 12 से 19 अप्रैल तक प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 20 अप्रैल को पत्रों की जांच की जाएगी। 22 अप्रैल तक नाम वापसी हो सकेगी। इन सीटों पर 7 मई को मतदान होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।